हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओनर से क्रिएशन। दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एनएफआर सेल कैसे करते हैं, जैसे कि पाइप, ओवन और दोस्तों जितनी भी एनएफआर आइटम है, ट्रॉली, वो कैसे सेल करते हैं कंज्यूमर को, इसी के रिगार्डिंग है ये वीडियो। तो दोस्तों सेल्स ऑर्डर पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कंज्यूमर नंबर डाल देना है जिस कंज्यूमर को सेल करना है। ओके, तो गो आइकन पर क्लिक किया, इसके बाद रिलेशनशिप आईडी पर क्लिक कर दिए है। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो राइट साइड पे एक एरो बटन है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सेकेंडरी सेल्स ऑर्डर आप लोगों को मिल जाएगा। सेकेंडरी सेल्स ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को प्लस आइकन पर क्लिक करना है ऑर्डर बनाने के लिए। प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेल्स ऑर्डर लिखा हुआ है और ऑर्डर टाइप आप लोगों को सब टाइप एनएफआर सेल्स लिख देना है और दोस्तों ऑर्डर आईडी पर क्लिक कर देना है। एड इनोवेंस प्रोडक्ट जो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हो आप लोगों को, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करते आपके इन्वेंट्री में जितनी भी प्रोडक्ट है एनएफआर प्रोडक्ट सब यहाँ पे शो करेगा। तो मैं यहाँ पे पद्माश्री जो ओवन है, हाई थर्मल स्टोव वो ओवन और उसके साथ एक होस पाइप भी सेल करूँगा, वो दोनों आपको सिलेक्ट करके दिखाऊँगा। ठीक है, आइए लक्ष्मी होस एंड पद्माश्री जो हाई थर्मल वाला स्टोव है वो सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों गेट प्राइस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, दोनों का जो प्राइस है प्राइस यहां पर शो कर गया। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोगों को प्रोडक्ट का ईयर एंड मंथ आप लोगों को दे देना है जिस मंथ पर आप सेल कर रहे हैं। ठीक है, आइए प्रोडक्ट का ईयर एंड मंथ दे देते हैं। ईयर एंड मंथ देने के बाद आप लोगों को पहले आप लोगों को ईयर फिल करना है, उसके बाद मंथ फिल करना है। फिल करने के बाद दोस्तों आप लोगों को सीधा ऊपर चले जाना है। ऊपर जाने के बाद दोस्तों ऑर्डर को सबमिट करना है। आइए सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद दोस्तों आप लोगों को नीचे देख सकते हो इनवॉइस ऑप्शन है, इनवॉइस ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये स्टेटस ओपन है, इसको कंप्लीट करना है, इसलिए इनवॉइस नंबर पर क्लिक किया और ऊपर स्क्रॉल करके कंप्लीट बटन पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को कंट्रोल प्लस एस दबाना है ताकि डाटा सेव हो जाए। उसके बाद ऊपर देख रहे हो सेकेंडरी सेल्स ऑर्डर ऑप्शन आप लोगों को दिखेगा, यहाँ पर और एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को जो ऑर्डर अभी कंप्लीट किया वो ऑर्डर यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद प्रिंट इनवॉइस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों आप लोगों को सिंपली से इसको प्रिंट करके कंज्यूमर को दे देना है। वीडियो को पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और दोस्तों जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का और वीडियो जो नया नया मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ।